बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में माह ज़िलहज के पहले एतवार का बहुत ही बाबरकत और खास अमल आपके साथ शेयर करूंगी। ये खास अमल करने के बरकतों से गुरबत और तंगदस्ती से आपको निजात हासिल होगी और रिज़्क़ के तमाम मसाइल मिनटों में हल हो जाएंगे। रातों रात अमीर और दौलतमंद इंसान बनने के लिए ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। माह ज़िलहज के पहले एतवार को आपने ये खास अमल करना है, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रिज़्क़ के बंद दरवाजे अल्लाह पाक आप पर खोल देगा। गुरबत, तंगदस्ती, बेरोजगारी और कर्ज जैसे मसाइल से आपको निजात हासिल होगी। अमल आपने किस तरह से करना है ये बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे वो बहन भाई जो तंगदस्ती का शिकार है, मालो दौलत पे हिसाब चाहते हैं, कर्ज, बेरोजगारी और मोहताजी से निजात चाहते हैं और चाहते हैं कि सात नस्लों तक रिजक की तंगी ना हो, सात नस्लें बैठकर खाती रहें मगर रिजक कम ना हो, तो ये मुख्तसर अमल अपने मामूल में शामिल कर लें। इस अमल की बरकत से आपके घरों के माली हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और चंद ही दिनों में आप दुनिया के अमीर और मालदार इंसान बन जाएंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि एतवार के दिन सुबह और शाम को यानी नमाज फजर और मगरब के बाद आपने ये खास अमल करना है। इन अस्मा का वर्द आपने 300 मरतबा है, सुबह नमाज फजर 300 मरतबा और नमाज इशा या फिर नमाज मगरब के बाद 300 मरतबा आपने इन अस्मा का वर्द करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह और बरकत वाला रिजक अता फरमाएंगे। तरीका कार भी सुन लीजिए। सुबह नमाज फजर के बाद अव्वल आके 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के या फिर जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़, फिर 300 मरतबा ये कलमात अदा कीजिए। या हफीजुन, या हफीजुन, या रकीबुन, या मुजीबुन, या अल्लाहुन, या वहाबुन। या हफीजुन, या हफीजुन, या रकीबुन, या मुजीबुन, या अल्लाहुन, या वहाबुन। आखिर में फिर 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ के जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसी तरह नमाज मगरब या फिर नमाज इशा के बाद ये अमल कर लीजिए। अमल आपने जाए नमाज पर बैठ कर करना है, अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाएगी। नाज़रीनो सामईन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।